हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बनारसी गरारे की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बनारसी गरारा, जिसको आप बनारसी गरारा बोल सकती हो, लखनवी गरारा या कीम खाप गरारा, उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और इसके लिए यहाँ पर मैंने मैचिंग गरारे का फैब्रिक लिया है और ये हमारी सिक्वेंस लेस ली है। आप इसकी जगह कोई भी एम्ब्रॉयडरी लेस या आप किसी भी तरह की लेस यूज़ कर सकते हो। और ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है और लाइनिंग का फैब्रिक है। पहले अपनी कुर्ती के फैब्रिक को अच्छे से यहाँ पर फोल्ड करके बिछा लेंगे। यहाँ पर मैंने 2.25 मीटर करीब यहाँ पर फैब्रिक लिया है। कुर्ती की लेंथ यहाँ पर मुझे 36 इंच तैयार चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट पार्ट में हम इसके दामन पर बॉर्डर बनाएंगे, तो यहाँ पर इसमें फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना, सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 36 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे। 37 पर निशान लगा लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 37 का निशान लगा लिया है। बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और इसकी विड्थ है यहाँ पर मैंने लिया 13 इंच। 13 इंच यहाँ पर लेंगे। 11 इंच हमारा दामन है और इससे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। सबसे पहले अपनी फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा ले रही हूँ 7 इंच। आर्मोल लेंथ लेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर भी 7 इंच का निशान लगाकर दोनों निशान को मिला लेंगे। और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग के लिए लगाएंगे, तो यहाँ लगा रही हूँ 10 इंच। 7 इंच का निशान लगाएंगे कमर की फिटिंग के लिए और एक निशान लगाएंगे 14 इंच पर हिप की फिटिंग के लिए। अब यहाँ पर कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो यहाँ लगा रही हूँ 8 इंच। हिप की फिटिंग के ले रही हूँ 10 इंच। इसके बाद दोनों निशान को मिला लेंगे। यहाँ पर दोनों ही निशानों को मिला लिया है। इसके बाद मार्जिन का लेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का ले रही हूँ और इस तरीके से यहाँ पर इनको निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दामन में थोड़ा ए लाइन रख रही हूँ, तो यहाँ पर हिप की फिटिंग हमारी 10 इंच थी और यहाँ पर मैं दामन ले रही हूँ 11 इंच। आप एकदम स्ट्रेट भी रख सकते हो, तो यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा लेंगे और जो हिप की फिटिंग का निशान है उस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे बिल्कुल इस तरीके से। और आगे साइड में मार्जिन का फैब्रिक का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आर्मोल्स के लिए निशान लगाएंगे, तो बैक का आर्मोल्स के लिए लगा रही हूँ मैं 1.5 इंच पर। इसके बाद हम यहाँ पर स्टिक से गोलाई देंगे, ये हमारे बैक आर्मोल हो गए। इसके बाद हम इसके फ्रंट आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे, उससे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है अब हम इस पर फ्रंट आर्मोल के निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर 1/2 इंच का निशान इस तरीके से लगा लेंगे और जो हमारे तीरे वाले निशान हैं ऊपर की साइड इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर फ्रंट आर्मोल को शेप देंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट आर्मोल की भी निशान लगा ली हैं। अब सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है, जिसको 2 फोल्ड करके रखा है। इसकी मैं यहाँ पर बैक साइड को फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है लेंथ में। बैक पार्ट की लेंथ हम फ्रंट पार्ट से एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट पर हम बॉर्डर बनाएंगे और बैक पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट का जो फैब्रिक है उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख दिया है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब फ्रंट पार्ट के आर्मोल्स को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट आर्मोल्स को कट कर लिया है और 1/2 इंच शोल्डर्स को डाउन देंगे। इस तरीके से बैक और फ्रंट पार्ट हमारा मेन फैब्रिक में से कट हो चुका है। इसके बाद हम लाइनिंग के फैब्रिक में से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये इसकी फोल्डेड साइड है और जो इसकी ओपन साइड है। सबसे पहले बैक पार्ट यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर जो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 36 इंच हमारी कुर्ती की जो रेडी लेंथ है, तो हम यहाँ पर 36 इंच लेंगे, क्योंकि जब हम लाइनिंग के फैब्रिक को फोल्ड करेंगे 2 इंच नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे तो वो
हमारा जो मेन फैब्रिक से ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से कम रखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। ये मैंने बैक पार्ट रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक होता है लाइनिंग को हमेशा उससे दो से ढाई इंच हम इसमें लेंथ में कम रखते हैं। तो यहाँ पर इससे इसको कट कर लेंगे। ऊपर की साइड से जो फोल्ड था उसको भी कट कर लिया। हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम इस पर फ्रंट पार्ट रखेंगे और लाइनिंग के भी हम फ्रंट आर्मोल को इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को रखकर तो यहाँ पर हमारे फ्रंट आर्मोल्स भी कट हो चुके हैं और शोल्डर्स को भी डाउन देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को लिया है जिसको फोर फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ यहाँ पर है 9.5 इंच के करीब और इसकी लेंथ यहाँ पर ली है मैंने 17 इंच। इसके बाद यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और स्लीव्स को इस तरीके से शेप देंगे। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग का निशान। तो मैं 5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच मार्जिन कर लेंगे और दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। ऊपर की साइड से किसी मिलाएंगे मार्जिन के निशान को और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव जो है वो कट हो चुकी है। इसके बाद इसके फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच का यहाँ पर कट कर हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है जिस पर मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है और लाइनिंग को भी मैंने यहाँ पर नीचे से फोल्ड कर सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक लिया है जिसकी लेंथ है 7.5 इंच और इसकी विड्थ है 6 इंच। आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक लेना है, नेक की लेंथ और विड्थ, और इस पर सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब बुकरम के साथ साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद मार्जिन का फैब्रिक रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद नेक को सीख से टर्न करेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टाका लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीख से कच्चा टाका लगा लिया है। बाद में यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट के जो दामन यहाँ पर रेडी करेंगे। तो फैब्रिक को राइट साइड पर इस तरीके से एक बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सीधी तरफ इस तरीके से मोड़ते हुए यहाँ पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने इसको यहाँ से फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये हमारा जो गरारे का फैब्रिक है वो लिया है जिसमें से मैंने 3.5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे। आगे की साइड यहाँ पर हमें इस तरीके से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस बनारसी फैब्रिक की पट्टी को इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। 1/2 इंच की दूरी से हम इसको पट्टी को रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिक सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे जो कुर्ती का फैब्रिक है नीचे की साइड उसमें झोल नहीं आना चाहिए या कोई भी सलवट ना आए। इसे तैयार होने के बाद दामन में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएंगी अगर आपके फैब्रिक में थोड़ा भी झोल आ गया या कोई भी सलवट आ गई। तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब हमने जो लेस ली थी लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आगे की साइड लेस को इस तरीके से रखेंगे। इस तरह की लेस की काफ़ी पैटर्न मार्केट में अवेलेबल है, जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके की लेस को यहाँ पर इस पर अटैच करें। आप एम्ब्रॉयडरी की लेस भी ले सकते हो या फिर इस तरीके की सिक्वेंस लेस को भी यहाँ अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पर हमने इस पर एक सिलाई लगा ली है और इसी तरीके से एक और सिलाई लगाएंगे। आगे की साइड यहाँ पर एक और सिलाई लगा के इसको अच्छे से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो कुर्ती का दामन है आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर एकदम तैयार है और हमने इसका नेक भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है जिसके लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके रखा है। लेंथ ली है नेक की 5.5 इंच और इसकी विड्थ ली है 2.5 इंच। शान लगा कर एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक को राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट कर लिया है। कुर्ती की राइट साइड पर हम लाइनिंग के फैब्रिक को स्लीक से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से रखना है। राइट साइड पर हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और आधा इंच की दूरी से इसी तरीके से पूरे गले पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से पलट कर इस पर एक सिलाई लगाएंगे। गले पर यहाँ पर पलटने के बाद सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने गले पर सिलाई लगा ली है। इसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के इस तरीके से शोल्डर्स को अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक को दोनों को एक दूसरे के राइट साइड पर इस तरीके से रखना है। एक दूसरे को फेस करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर्स पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर्स को भी सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। इसके बाद अपनी कुर्ती पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाकर यहाँ पर रखेंगे और जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उसी पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई लगाकर मैंने तैयार कर लिया है और बैक पार्ट को भी यहाँ पर मैंने फोल्ड करके इसको पिन अप कर लिया है जिसका दामन है और इसके चाक को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको भी पिन अप कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस पर तुरपाई कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो पहले आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको पिन से सिक्योर कर लें, उसके बाद इस पर तुरपाई करें या आप इस पर कच्चा टाका भी लगा सकते हो। फोल्ड करने के बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे और अब हम इसके स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स पर बिल्कुल उसी तरीके से बॉर्डर तैयार किया है जिस तरीके से हमने अपनी कुर्ती के दामन पर बॉर्डर तैयार किया था और उस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब हम इस स्लीव्स को अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई है और कुर्ती की फिटिंग की सिलाई को दोनों को इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर हम इस पर राउंड में स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं। आप सिंपल भी पहले ही फिटिंग लगाने से पहले ही आर्म होल्स पर इसको अटैच कर सकते हो स्लीव्स को। यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड में स्लीव्स अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने देखो कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी स्लीव्स को कुर्ती पर अटैच कर लिया है और इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आप देख रहे हो कुर्ती एकदम तैयार है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये सिल्क फैब्रिक में से कुर्ती तैयार की है बनारसी गरारे के साथ, जिस पर मैंने मैचिंग फैब्रिक से बॉर्डर बनाया है गरारे के और इस पर मैंने यहाँ पर तुरपाई भी कर ली है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। और आप इस कुर्ती को इस तरीके के गरारे के साथ भी कैरी कर सकते हो जिसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आप इस तरीके से आसान तरीके से घर पर ही कीम खाप गरारा सूट बनाकर तैयार करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।